आप देखना शुरू कर चुके हैं माई विलेज प्रेस। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कलीसा और सिंगल पाल के बारे में। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों पहले जानते हैं कलीसा पाल के बारे में। कलीसा पाल राठौड़ वंश की पाल है। राणा कंवर उर्फ कलीसा इस पाल के संस्थापक यानी फाउंडर थे। राणा कंवर की औलादें ही कलीसा कहलाई। धनेटा में इस पाल की नाई पाल से जबरदस्त लड़ाई हुई। इस लड़ाई में कलीसा पाल को बहुत नुकसान हुआ था। बाबर और बलबन के वक्त में इस पाल के बहुत बहादुर जवान मारे गए और इस पाल के कुछ लोग मेवात को छोड़कर दूसरी जगहों पर जाकर आबाद हो गए। ये ही वजह है कि आज इस पाल की आबादी मेवात में बहुत कम है। कलीसा पाल की चौधर का गांव दादर है। इस पाल का कुर्सीनामा राजा जयचंद से मिलता है, जो सन 648 में कन्नौज का राजा था। आइए दोस्तों एक नजर डालते हैं कलीसा पाल के मशहूर गांवों के नामों पर। दादर, बलाना, नाड़का, बाड़का, पिपरौली, झोपड़ी, कोटा और धौली। तो दोस्तों ये थी कलीसा पाल के बारे में कुछ अहम जानकारी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं सिंगल पाल के बारे में। दोस्तों सिंगल पाल का ताल्लुकात बड़ गुजर वंश से है। हिस्ट्री की किताबों को पढ़ने से पता चलता है कि पृथ्वीराज चौहान के वक्त चौहान कुशवाहा वंश से तंग आकर मेवात को छोड़कर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जाकर आबाद हो गए। राव एतमाद राय अपनी खुशी से मुसलमान हुआ था और बादशाह अकबर के जमाने में ही लाल सिंह को खान के खिताब से नवाजा गया था। आपको बता दें कि एतमाद राय लाल खां का पोता था। सिंगल पाल के बुजुर्ग का नाम सिंगल था, जो पहले ही मुसलमान हो चुका था। कर्नल जैन स्टार्ड ने सिंगल और बड़ गुजर वंश को स्थायी यानी मुस्तकिल वंश बताया है, मगर कुछ इतिहासकार सिंगल को बड़ गुजर वंश की बड़ी शाखा मानते हैं। इतिहासकारों के हिसाब से कोई इन्हें सूर्यवंशी तो कोई चंद्रवंशी बताता है। राजा करण की हुकूमत के दौर में इनकी दो शाखाएं थी, एक कौरवों के कुल से और दूसरी शाखा सीतकरण से थी। इन्होंने ही सीतकरण रियासत को आबाद किया था, जो बाद में सीतकरण से सिंगर या सिंगल हो गया। मेवात में सिंगल पाल बहुत मशहूर है। इस पाल की एक शाखा ब्रिज के किनारे बसी हुई है, जो बड़ गुजर कहलाई जाती है। कुछ राइटर मानते हैं कि इनका बड़ा गांव सिंगार है। सिंगलों के 22 गणपति राजा थे। पहाटों की 5 पहाड़ की लड़ाई जो शाहजहां बादशाह से हुई थी, उस लड़ाई में सिंगल पाल ने पहाटों की बहुत मदद की थी। पृथ्वी मल इस पाल से काफी मशहूर बहादुर हुआ था। एक बार दिल्ली के बादशाह ने मेव सरदारों को अपने दरबार में बुलाया था। तब पृथ्वी मल ने ही कहा था कि अगर तुम दिल्ली के बादशाह हो तो मैं भी पाटन का राव हूँ। मैं दिल्ली मिलने नहीं आऊंगा, अगर तुम्हें हमसे मिलना है तो मेरी पाटन में ही आकर मिलो। शिवानी गांव के रावट और कायम खां सिंगल पाल से काफी मशहूर लड़ाके हुए हैं, जिन्होंने महाराजा बख्तावर सिंह के ऊंट लूटे थे। इस पाल के चौधर के गाँव चांदौली और इस्माइलपुर है। आइए दोस्तों एक नजर डालते हैं सिंगल पाल के मशहूर गांवों के नामों पर। इस पाल में 92 गांव हैं। साहूबास, दादा रेहड़ा, नागल मौजाकी, रायपुर, कुलताजपुर, खेड़ला, जूनाबास, बाघौर, पाटन, इस्माइलपुर, चांदौली, रानौली, जाडौली, घाटला, गोढ़री, सिवाना, नीमहेड़ा, नगला डूंगर, पीराबास, कोट, रानीखेड़ा, धौली, सिंगरका, देवली, कालाका, गाजुका, करवारी, दौंडी, देहर खुर्द, देहर कला, तेहरपुर, शाहपुर, दिलावलपुर, मंडवारा, नौरंगाबाद, बसी, सरमौली, बीजोपुर, धौलपड़ी, गोबरका, सोना, खुशालबास, मातौर, शाहपुर, दांतलाका, खेरतल, मानकपुर, पिलाईका बास और ढेकदा। तो दोस्तों ये थी सिंगल पाल के बारे में कुछ अहम जानकारी।
उम्मीद करते हैं आपको हमारी बताई गई जानकारी खूब पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।